केंद्र सरकार अति पिछड़ो विरोधी सरकार है और वो केंद्र में बैठकर ऐसे ऐसे नीतियां लागू कर रही है जिससे कि आम जनता काफ़ी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए हम लोग आज पोल खोल हल्ला बोल 200 रुपए की गैस सिलेंडर में छूट देके अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? जातीय जनगणना को बंद करवा दिए, क्या चाहते हैं कि पिछड़ी जाति अग्रिम जाति से हमेशा पीछे ही रहे? जनगणना पर दोहरी नीति अपना रही है भाजपा और ये जो मसाला जल रहा है पूरे हिंदुस्तान में जलेगा। वो लोकतांत्रिक देश को खत्म करके हिटलर शाहिद राज्य बनाना चाहते हैं, मोदी राज्य बनाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं आपके साथ सत्येंद्र। देखिए जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं मसाल जुलूस लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं हम जानने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग उनका हल्ला बोल पोल खोल इसके लिए जनता दलियों परिवार सड़कों पर उतरा है और जिस तरह से अति पिछड़ों के साथ साजिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर के वे साजिश रच रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। और क्या कुछ अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग वो तो पार्टी नेतृत्व द्वारा आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। क्या नाम हुआ मैम? विजयलक्ष्मी। क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं? क्योंकि ये जो केंद्र सरकार की ओर से है महंगाई चरम सीमा पे है, 200 रुपए की गैस सिलेंडर में छूट देके अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? जातीय जनगणना को बंद करवा दिए, क्या चाहते हैं कि पिछड़ी जाति अग्रिम जाति से हमेशा पीछे ही रहे? ये क्या उनका एजेंडा है? क्या वो प्रोपेगेंडा दिखाना चाहते हैं कि मेरा काम जो है सर्वोपरि है? वो लोकतांत्रिक देश को खत्म करके हिटलर शाहिद राज्य बनाना चाहते हैं, मोदी राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग नहीं चलने देंगे, हम लोग केंद्र में नीति। क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आप लोग सड़क पर? सड़क पर इसीलिए है कि केंद्र सरकार अति पिछड़ो विरोधी सरकार है और वो केंद्र में बैठकर ऐसे ऐसे नीतियां लागू कर रही है जिससे कि आम जनता काफी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए हम लोग आज पोल खोल हल्ला बोल का तैयारी जनता दल यूनाइटेड द्वारा किया गया है। आज मसाल जुलूस आपने निकाला है, पोल खोल कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार हम ही आएंगे। कभी नहीं आएंगे। 2024 में केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार में मात्र 40 सीट महागठबंधन सरकार जीतेंगे और केंद्र की सरकार को उकार फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ मैं? जी सर, हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और जदयू से हैं, युवा जदयू, रुचि श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव। मैं आई हूँ अपने अपने जदयू सरकार को लेकर जो भी आलोचनाएं हो रही है उस बारे में हम लोग मना मतलब ये सब इनकार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आज हमारे यहाँ मांगे आप लोग कह रही हैं कि मोदी जी जो है नहीं करने दे रहे हैं जातीय जनगणना, ये कैसा आरोप? जी सर, एकदम सही आरोप है। वो कह रहे हैं कि हम हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। वो उसे बोलते हैं, करते तो आज यहाँ बिहार में हो या भारत में महिलाएं या जो भी एजुकेशन के मामले में एजुकेशन सिस्टम को देखिए गड़बड़ाया हुआ है हर तरह से। अगर वो सब काम करते ना मंदिर मस्जिद छोड़कर, मस्जिद तो नहीं मंदिर को छोड़कर, तो आज एजुकेशन के लिए हम लोग रोड पर नहीं होते। आज हम लोग अच्छे से डिपार्टमेंट में बैठकर हम भी लोग एसी का हवा खा रहे होते, ना कि लाल किला से कह दिया फिर हम ही आ रहे हैं, इस पे क्या कीजिए? वो तो बोले ही है ना, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। देख रहे हैं ना केरला से उनको भगा दिया गया है, बिहार में भी उनको भगा दिया गया, वो कहाँ से रहेंगे? बोलने से नहीं होता है ना, करने से होता है, मंदिर बनाने से नहीं होता है। कौशल कुमार सिंह, क्यों सड़क पर आप इतने लोग उतरे हैं, इतने सैकड़े की संख्या में? जनगणना पर दोहरी नीति अपना रही है भाजपा। कैसे दोहरी नीति? मोदी जी कह रहे हम साथ साथ हैं। ये साथ साथ रहती तो जाति कोर्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, किसी तरह से हाई कोर्ट भेजवाई अपने लोगों को रुकवाने के लिए। हम सब मानने वाले नहीं हैं। जातीय जनगणना हो चुकी है, उसका प्रकाशन होगा और ये जो मसाल जल रहा है पूरे हिंदुस्तान में जलेगा और मोदी सरकार को जाना ही होगा। लाल किला से कह दिया फिर हम ही आ रहे हैं, आना ही है। मोदी जी कह दिया हम ही आ रहे हैं, उनको कहने से क्या होगा? जनता आने नहीं देगी, जनता आने नहीं देगी।
और कुछ कार्यकर्ता महिला हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? मैं सविता नटराज। क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं मसाल जुलूस लेकर? हमारी सरकार जो इतना पिछड़े अति पिछड़ा महादलित दलित महिला पुरुष को सबके बारे में सोच रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं और उसका सर्वे भी करा रहे हैं कि हमारी बिहार के में कितना विकास हुआ है, कितना स्थिति पीछे है, उसके विरुद्ध में भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी सारी असलियत सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया उनको, उनकी बेइज्जती किया सामने से, उनकी जो मन में थी वो सारा सामने हो गया। मोदी जी कह रहे हम साथ साथ हैं, हमेशा बोलते हैं। नहीं, वो अभी बोल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तब उनको ये बात बोलने के लिए, पहले वो नहीं बोले थे, पहले रोक लगा दिया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से कि अभी जितना जातीय जनगणना को सार्वजनिक घोषणा नहीं किया जाए, इसके लिए हमारे सरकार ने गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, इसको सर्वे हमेशा कराते रहना है और जातीय जनगणना कराना है, ये संविधान के अंदर है। मेरा नाम सविता नटराज हुआ। सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में जो महिला लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं और जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हैं, और भी कुछ कार्यकर्ता से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पल्लवी पटेल हुआ। सड़क पर आप लोग मसाल लेकर? हम लोग जातीय जनगणना का पोल खोलने के लिए है ना, हम लोग एकत्रित हुए हैं। बीजेपी के सरकार, मोदी सरकार जातीय जनगणना का दुश्मन बन बैठी है। क्या अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या? आगे हम लोग इसी तरह है ना, जनता को जगाने का काम निरंतर करते रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम हमेशा साथ में हैं, बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। बिल्कुल नहीं, ये उन्हीं के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से जातीय जनगणना को है ना रोकने का कार्य कर रही है, एक बार नहीं बार बार कर रही है, और हम लोग ये हमें नहीं देंगे। उनका है ना जो सोच है उनको विफल करके रहेंगे। जनता जाग चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अब इंडिया के नेतृत्व कर रहे हैं और वही प्रधानमंत्री के रूप में और लाल किला पे झंडा फहराएंगे। हम लोग उस रूप में देख रहे हैं क्योंकि इस तरह का उनका विजन है। आरएसएस मोदी के पास कोई अपना विजन नहीं है, आप देख सकते हैं बिहार में काम किए हैं, इन्वायरमेंट पे हो या महिलाओं पे हो, आप देख सकते हैं। मेरा नाम पल्लवी पटेल हुआ। तो देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ दिखावा करते हैं और सामने से जो है जातीय जनगणना को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, और भी क्या कुछ कह रहे हैं आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट करके जरूर रखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।